Good morning, students. I am Poonima, your English teacher. Today we are going to start first lesson of the session in our subject English language. Before starting the lesson, I request you all that if you are having your book, please bring your book and keep it with you. Otherwise, just focus on the concept I am briefing here and focus on the explanation I am giving you. Our first chapter of the lesson of the session in English language is naming words. Our first chapter is naming words or noun. Now, what is naming words? Naming words are the names of person, animals, things and places. Names of person, animals, things and places are called naming words or noun. किसी के भी नाम को, अब किसके नाम को? Person के नेम को, animals के नेम को, things के नेम को या places के नेम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं. सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत ही सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नाम को, किसी के भी किसी नाम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं. सी, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेमिंग वर्ड. नेमिंग का मतलब नाम और वर्ड का मतलब वर्ड. सो नेमिंग वर्ड, जिस जो भी जिसका नाम होता है वो ही हमारा नेमिंग वर्ड है या नाउन है. Now, better understanding we can get from this example. Like, Radha is a good girl. So, Radha, here Radha is the name of a girl. So, girl kise kehte hain hum? Girl hum female community ko kehte hain. Matlab, jitni bhi ladkiyan hain, hum sabko commonly bulate hain. Unko kya naam diya humne? Girl. Aur, Radha kya hai? Radha kisi bhi girl ka name ho sakta hai. ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही नेम है. ये किसी भी गर्ल, किसी भी गर्ल को, किसी भी लड़की को अगर हमको बुलाना है तो क्या बोलते हैं हम? गर्ल. और अगर हमने किसी लड़की का नाम जिसका नाम राधा है उसको बुलाना है तो ये राधा, हम उसको राधा बुलाएंगे. सो राधा एंड गर्ल इज नाउन हियर, नेमिंग वर्ड हियर. इन द सेम वे आर नेक्स्ट एग्जाम्पल, विकास इज अ टॉल बॉय. Vikas is a tall boy. So now here Vikas is the name, you all know. And boy is also the name for the male community. हम लड़कों को, किसी भी लड़के के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम उसको, उनको क्या बोलेंगे randomly? Boy. अगर हमें उनका name नहीं पता है तो हम उनके लिए क्या use करेंगे? Boy. सो विकास कैसा लड़का है? विकास टॉल बॉय है. तो यहाँ हम किस बारे, किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं? विकास के बारे में. सो यहाँ पर नाउन क्या क्या है? विकास एंड बॉय. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चार्ट दैट नेमिंग वर्ड्स या नाउन कौन कौन से होते हैं. सी, नेमिंग वर्ड्स में, नाउन या नेमिंग वर्ड्स में फर्स्ट नेम होता है. Now, for better understanding, you can understand it from this graph. So, this chart. See, naming words or noun. Naming words or noun ko hum four logo ke liye, four categories mein use karte hain. Ab four kaun kaun si category mein use karte hain? Person, animal, things and places. Person mein kaise use karte hain? देखिए, हम किसी भी पर्सन के लिए जो भी नेम रखते हैं, जैसे आपके घर पे आप ही, आपका ही नेम होगा तो वो भी नेम है पर्सन का. लाइक अगर हम किसी बॉय का नेम राम रखते हैं तो राम. गर्ल का नेम अगर सीता रखते हैं तो. सो एनी ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का जो नेम होगा वो. नाउ एनिमल्स लाइक टॉम, Tom is a cat, then Jerry, now Jerry. So animals, any of the animal, किसी भी cat का name, किसी भी rat का name
या किसी भी डॉग का नेम या जो भी पेट है आपके यहाँ उसका नाम, ओके, या किसी भी एनिमल का नेम. नाउ थिंग्स, अब थिंग्स में कैसे रखोगे, थिंग्स में कैसे पता चलेगा किसका नेम. सो थिंग्स में लाइक इफ आई टेक अ टेबल, देन टेबल इज थिंग. इफ आई टेक चेयर, इफ आई टेक पेन, सो ये तीनों थिंग्स है, टेबल चेयर पेन. सो थिंग, थिंग ये थिंग का नेम ही तो है. टेबल हम किसे कहते हैं, जिस भी वुडन, जहां भी वुडन स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पे बैठ के हम पढ़ते हैं उसे हमने क्या नाम दिया, टेबल. और उस वुडन स्ट्रक्चर पे जिस पे हम बैठते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, चेयर. नाउ उस स्ट्रक्चर को, यानी वुड की या प्लास्टिक की उस स्ट्रक्चर को जिससे हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम, पेन. और या वुडन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेंसिल. तो ये क्या है, एक थिंग ही तो है, नॉन लिविंग थिंग ही तो है. सो दिस दीज आर द नेम ऑफ थिंग्स. सो नाउ लेट्स मूव टू प्लेसेस. नाउ हाउ यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ प्लेसेस, सी places like city, colony, country and states etc. Now see in places city, colony, country, states ये सारी चीजें आती है और इनके name भी like city, country, colony, states ये तो noun है ही, इनके साथ में इनके भी जो name है यानी city के भी जो name है, जैसे कि सिटी का नेम क्या, जैसे आगरा, कंट्री का नेम इंडिया, स्टेट का नेम यूपी, दीज ऑल आर ऑल्सो नाउन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टूड वेल दैट एनी ऑफ द नेम, किसी के भी नेम को हम नेमिंग वर्ड या नाउन कहते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल. Now go through the video again and understand it well. Thank you. Have a nice day.